बीआरओ का सैन्य प्रणाम, हर बूंद रक्त राष्ट्र के नाम, उस बूंद का बस एक नाम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मैं सीमा सड़क संगठन का सदस्य, एक देश भक्त कर्मयोगी हूँ। मैं पहाड़ों का सीना चीर कर मार्ग बनाता हूँ, वह मार्ग जो अवाम के लिए उन्नति का और सशस्त्र सेनाओं के लिए युद्ध में निश्चित विजय का रास्ता है। बर्फीले तूफानों के बीच भी मेरे अंदर प्रज्वलित रहती देशभक्ति की धधकती ज्वाला। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, साहस का दूसरा नाम, शौर्य का प्रतीक, कर्तव्य परायणता और बलिदान का जीवंत प्रमाण। न मैं परिणाम से डरता हूँ, न प्रारंभ की मुश्किलों से मेरी पेशानी पर बल आते। दुर्गम पहाड़ियाँ मुझे रोक नहीं सकती, कठिन मौसम मुझे डिगा नहीं सकते। मैं जीता हूँ देश के लिए, और जरूरत पड़े तो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बीआरओ का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम का अर्थ है, कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। इसी शक्तिशाली विचार ने बीआरओ को अद्भुत प्रसिद्धि दी है। सीमा सड़क संगठन ने आज राष्ट्र की समर्पित सेवा के 62 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए हम अपने महान राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। सीमा सड़क संगठन की आवश्यकता स्वतंत्रता के समय ही महसूस की गई। दो परियोजनाओं के साथ भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मई 1960 में बीआरओ सड़क नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से सीमा सड़क विकास मंडल के रूप में अस्तित्व में आए। बाद में यह मंडल बीआरओ के रूप में परिवर्तित हुआ और रक्षा मंत्रालय के तहत भारत का एक सशक्त विभाग बन गया, जिसके अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री हैं और बोर्ड के सदस्य सेना और वायु विंग से आते हैं। बीआरओ आज देश भर में फैली 18 परियोजनाओं के साथ एक व्यापक संगठन बन गया है। इस संगठन में इस समय 36,000 इंजीनियर और प्रशासक हैं, जो 18 परियोजनाओं पर 1,00,000 से अधिक आकस्मिक मजदूरों को साथ लेकर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। बीआरओ की विदेशों में भी उपस्थिति है। 1961 में देवथांग भूटान में दंतक परियोजना द्वारा भूटान के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बनाया। बीआरओ ने सम्मान पाया अब तक 60,647 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का, 22,800 किलोमीटर के रखरखाव का, 10,172 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कों पर लगातार दिन रात कार्य करने का। विगत वर्ष में बीआरओ द्वारा 102 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी की गई, जिनमें से 12 सड़कों को 17 जून 2021 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया एवं देश के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में जान फूंक दी। वही लद्दाख में कार्मेक रोड, डेमचौक, चिसुमले 19,024 फीट पर उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है, जो 17,000 फीट पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर दोनों से अधिक है। यह सड़क जो अब राष्ट्रीय गौरव का विषय है, विश्व में सबसे ऊंची यातायात योग्य ब्लैक टॉप रोड बनकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर चुकी है। इस सड़क के बनने से न केवल भारत के रणनीतिक संपर्क में सुधार हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि के भी नए द्वार खुल गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश और नीमू दारचा सड़कों पर भी कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार कर रहे हैं। वहीं हमने फ्लैग हिल डुकाला और TCC टॉक्सिंग सड़कों को जोड़कर शहर से शहर, गांव से गांव और दिलों से दिलों को जोड़ा है। हार हरा नहीं सकती उस समूह को जो लगातार कोशिशें करता रहता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य प्राप्ति में लगातार कोशिशें करने के लिए जाना जाता है। सीमांत इलाकों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद बनाई गई हर एक सड़क बीआरओ के कभी न हारने वाले जज्बे और शौर्य की कहानी है। हमने उत्तराखंड में चारों धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा कराने वाले ऑल वेदर रोड में सुधार लाकर सृष्टिकर्ता के चरणों में अपने श्रम की कुछ अमूल्य बूंदे भी अर्पित की है। परियोजना की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर में से तकरीबन 250 किलोमीटर बीआरओ को सौंपी गई थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले
छह दशकों में बीआरओ कर्मयोगियों ने 848 से अधिक पुलों का निर्माण किया है। 234 पुल अभी निर्माणाधीन हैं और लगभग 200 पुल प्रस्तावित चरण में हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बीआरओ द्वारा फ्लैग हिल डोकाला रोड पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार जेआरएससी और सेल द्वारा निर्मित पूर्णतया स्वदेशी क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाना एक अत्यंत साहसिक कदम था, जिसने न केवल सरकारी खजानों की भारी बचत की बल्कि इस पुल के लिए विदेशी आयात पर राष्ट्र की निर्भरता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उत्तराखंड और सिक्किम में 2 और पुल लॉन्च किए जा चुके हैं और 27 और पुल बनने का समझौता ज्ञापन दिया जा चुका है, जो बीआरओ द्वारा एक बहुत बड़ा कदम है। गलेथिया नदी से लगे देश के सबसे दक्षिण हिस्से को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। कठिन मौसमी हालात, यहाँ तक कि कोविड महामारी भी हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकी। प्राकृतिक बाधाएं भी हमारे हौसले को चुनौती नहीं दे सकी। सभी बाधाओं के बावजूद हमने बीते वर्ष में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी कार्य विचारधारा है, हम या तो रास्ता खोज लेंगे या नया रास्ता बनाकर ही रहें। सुरंग तकनीक में विशिष्ट क्षमता हासिल कर हमने 4 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा किया है, जिसमें सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह सड़क पर स्थित अटल सुरंग शामिल है, जो कि 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग बनकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। 3 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित करते ही राष्ट्र का गौरव अटल सुरंग रोहतांग ने दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक बुनियादी ढांचे के रूप में विश्व के नक्शे पर अपनी गौरवमय उपस्थिति दर्ज की। बीआरओ के द्वारा एक और अद्भुत सुरंग 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रे के नीचे सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और वहां तक की यात्रा की दूरी भी काफी कम कर देगा। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2021 को इसी परियोजना से संबंधित 1.55 किलोमीटर सुरंग का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया, जिससे सुरंग की खुदाई का कार्य पूरा हुआ। जल्द ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2020 को डी आकार की 450 मीटर लंबी डबल लेन नेचिफू सुरंग की आधारशिला रखी गई। सेला और नेचिफू दोनों सुरंग पर काम जोरों पर है। सीमा सड़क संगठन वर्षों से हवाई पट्टी के निर्माण में सबसे आगे रहा है। इनमें से सबसे प्रमुख मार्च 2008 में भूटान में निर्मित पारो एयरफील्ड है। वर्तमान में बैरकपुर और बागडोगरा में हवाई पट्टी का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बागडोगरा में 36वें छोर पर हवाई पट्टी 23 दिसंबर 2021 को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया गया और परिचालन के लिए इसे अंशतः खोल दिया गया। मौसम की मार से दर्रों को एक लंबी अवधि के लिए बंद करना पड़ता था, ठप्प हो जाता था सभ्यता का हर प्रवाह। हर साल हम प्रकृति के आगे बेबस थे, पर आखिरकार प्रकृति को मानव की जिद के आगे झुकना पड़ा। बीआरओ ने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत का ज्वार हो, हौसले का हथियार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। जो भी है नामुमकिन, मुमकिन सही करूंगा, हुआ नहीं जो अब तक, बस वही करूंगा। बीआरओ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया और उसी के बाद बीआरओ के कर्मयोगियों ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व के विभिन्न दर्रों को खुला करना सुनिश्चित किया। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रे प्रतिवर्ष खोले जाते हैं, पर इस साल जोजिला और अन्य दर्रों को पहले तो 4 जनवरी 2022 तक खुला रखा, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है, और हिमपात के दौरान महज 73 दिनों के बाद फिर से खोल दिया। यह बीआरओ द्वारा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बीच आवागमन बहाल करने की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह बीआरओ की प्रेरणादायी राष्ट्र सेवा की जीती जागती कहानी है, जहां एक तरफ सूर्य की किरणें धरती पर धूप से हस्ताक्षर करती हैं, वहीं बीआरओ का एक एक कर्मयोगी
देशभक्ति की कलम से राष्ट्र सेवा के तराने अपने विशेष उपकरणों के साहसिक प्रयोग से सदा के लिए गुंजायमान करता है। सामरिक महत्व के छदर्रे जम्मू कश्मीर का साधना दर्रा, फरकियान गली, जमींदार गली, उत्तराखंड रिमखिम दीटी, नागा दर्रे वर्ष भर खुले रखे गए, जो परंपरागत रूप से हर साल लंबी अवधि के लिए बंद हो जाते थे। लद्दाख में हिमांग परियोजना दर्रों के बंद होने के बावजूद सामरिक हवाई पट्टी को हर समय खुला रखने में सक्षम रही। बीआरओ ने उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी राष्ट्र रक्षक होने की अद्वितीय क्षमता पूर्णतया स्थापित की। विशेष रूप से जोशीमठ में हमेशा की तरह आपदा में राहत का दूत बनकर बीआरओ ने जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने के लिए रेणी गांव में ब्रिज ऑफ कंपैशन का निर्माण कर वहां फंसे 109 कर्मियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने में मदद की। 11 जून 2021 को सीमा सड़क भवन में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा एवं सड़क पुलों, हवाई पट्टियों और सुरंगों के सेंटर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया गया। बीआरओ ने कई संगोष्ठियां, सड़क सुरक्षा अभियानों का आयोजन किया है और पहली रोड सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 22,000 किलोमीटर बीआरओ की सड़क शामिल है। बीआरओ ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल किया है। अधिकार, जिम्मेदारी और सम्मान के साधनों के साथ उन्हें सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में हमेशा बीआरओ ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। इसी श्रृंखला में अधिशासी अभियंता सिविल सुश्री वैशाली एस हिवासे ग्रिफ की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण इंडो चाइना रोड पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत सड़क निर्माण कंपनी की सशक्त कमान सौंपी गई। अगस्त 2021 में शिवालिक परियोजना में मेजर आयना ने चमोली जिले के पीपल कोटी में 75 RCC, जो पूरी तरह से महिला नेतृत्व में कार्यरत पहली RCC है, ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला। RCC की कमान संभालने वाली भारतीय सेना की इंजीनियर कोर की यह पहली महिला अधिकारी है। दिल्ली महिला आयोग द्वारा 8 मार्च को आयोजित एक समारोह में बीआरओ की 4 महिला अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। बीआरओ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों में 75 चिकित्सा शिविर, 75 स्कूल संवाद, 75 साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण और सड़क सुरक्षा के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए इसके 75 कर्मयोगियों ने दिन रात यात्रा कर 75 दिनों में 20,000 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पूरी की। बीआरओ नई तकनीकों को सहर्ष स्वीकार कर जमीनी तौर पर ससमय उतारने में विश्वास रखता है। हम स्थिर पहाड़ी ढलानों के लिए जियो सेल और जियो वेब, इसके साथ साथ स्पाइडर एक्सकवेटर, DC-400 पल्वराइजर, मोटर ग्रेडर जैसे नवीनतम उपकरणों का इस्तेमाल कर आधुनिकीकरण की राह पर चल रहे हैं। एक प्रतिष्ठित इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एजेंसी होने के नाते हम रक्षा मंत्रालय के अलावा ITBP, BSF, असम राइफल्स और मित्र देशों में सड़कों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी पूरा कर रहे हैं। इस महान राष्ट्र की सेवा करते हुए हमारे कई बहादुर कर्मयोगियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम इन सभी महामानवों को, कर्मयोगियों को श्रद्धांजलि देते हैं। स्वर्णिम इतिहास है मेरा, गौरव और बलिदान का, साहस और समर्पण का, बीआरओ का गौरवमय इतिहास, मातृभूमि की निष्ठावान सेवा और कर्तव्य परायणता की गौरव गाथा है। अंगार हार उनका जिनकी, सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। जय हिंद।